गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज जुलाई 7 तारीख बुधवार आज सकालर देश विदेश प्रमुख खबर उपरे आमे वीडियो रे नजर पकेबा। वीडियो को लाइक करिवे, शेयर करिवे एवं चैनल को नुआ सथिले सब्सक्राइब करबा को अनुरोध। चलंतु प्रथम खबर उपरे नजर पकेबा। पुरी व्यतीत अन्य केउंटी हेबनी रथयात्रा, सुप्रीम कोर्ट को निर्देश। आसंता 12 तारीख रे विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा। चलित वर्ष महामारी जारी रही थी बिना भक्त यात्रा अनुष्ठित हेब। तेबे इतिमध्ये सुप्रीम कोर्ट आज एक बड़ निष्पत्ति सुनाई। से कहते जे पुरी व्यतीत राज्यर अन्य केउंटी रथयात्रा हेबनी। रथयात्रा आयोजन पर होता एकाधिक आवेदन को खारज कर मामलार शुणाणी कर सुप्रीम कोर्ट खंडपीठ कले खारज। CJIN V रमणा अध्यक्षतार खंडपीठ कले खारज। केन्द्रापड़ा नीलगिरी भटली रथयात्रा आवेदन होता पूर्व ए संपर्क में आवेदन खारज कर हाइकोर्ट। हाइकोर्ट राय को सुप्रीम कोर्ट रे चैलेंज करते आवेदनकारी आवेदनकारी माने हाइकोर्टर निष्पत्ति को चैलेंज करी सुप्रीम कोर्टर द्वारस्थ होते। तेबे रथयात्रा करिबा नै होइतिबा एकाधिक आवेदन को सुप्रीम कोर्ट खारज कर देथिबा सूचना मिली। परवर्ती खबर, घोषणा हैला JEE Main परीक्षार तारीख। शेषे प्रतीक्षार अंत घटी। घोषणा होइछि JEE Main परीक्षार तारीख। एप्रिल और मे मास स्थगित होइतिबा JEE Main परीक्षा जुलाई और अगस्त अनुष्ठित हेबो। एने आज केन्द्र शिक्षामंत्री रमेश पोखरियाल निशंक घोषणा करिछंती। JEE Main परीक्षार तृतीय सेसन जुलाई 20-25 तारीख जाए एवं चतुर्थ सेसन जुलाई 27 अगस्त 2 तारीख पर्यंत अनुष्ठित हेबो बोली रमेश पोखरियाल घोषणा करिछंती। महामारी जो जो छात्र छात्री माने रजिस्टर करि पारि नथिले सेमाने पुणि थरे आवेदन करि परिबे। तृतीय सेसन पई आवेदन जुलाई 6 जुलाई 8 तारीख भितरे करि परिबे। सेहिपरि चतुर्थ सेसन पई जुलाई 9-12 तारीख भितरे आवेदन करि परिबे। तृतीय खबर उपरे नजर पकेबा। एणिकि युक्त 3 छात्र छात्रीक पई ऑनलाइन रे पाठपढ़ा आरंभ हेब। महामारी कारण स्कूल कॉलेज बंद थिबारु छात्र छात्री माने पाठपढ़ा असुविधार सम्मुखीन होउछंती। छात्र छात्रीं को शिक्षादान रे असुविधा नहेबा पई सरकार विभिन्न प्रकार व्यवस्था करिछंती। पूर्वरु प्रथम रु अष्टम श्रेणी छात्र छात्रीक पई यूट्यूब रे शिक्षादान व्यवस्था करा जायथिया बेले एबे युक्त 3 छात्र छात्रीक पई ओएबे पोर्टल माध्यम रे पाठपढ़ा पई व्यवस्था करबा को निष्पत्ति निया जायछि। महामारी पई श्रेणी गृह रे शिक्षादान आरंभ होई पारु नथिबारु युक्त 3 छात्र छात्रीक लागि ओएबे पोर्टल माध्यम रे राज्य सरकार शिक्षादान व्यवस्था आरंभ करबा को जाउछंती। एही व्यवस्था रे छात्र छात्री माने वर्चुअल ट्यूटोरियल रे प्रोजेक्ट रे शामिल हेबे। एने उच्च शिक्षा विभाग पक्षरु विभिन्न विश्वविद्यालय और कॉलेज कर्तृपक्ष को चिठी करा जाइछि। आसंता 8 तारीख रे उच्च शिक्षा मंत्री ए पोर्टल को लोकार्पण करियो बोली उच्च शिक्षा विभाग पक्षरु सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर, बदलिले 8 राज्यर राज्यपाल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अनुमोदन परे 8 राज्यर राज्यपाल बदलिछंती। थावरचंद गेहलोत को कर्णाटक राज्यपाल भाव निजुक्त करिछंती राष्ट्रपति। से भली हरिबाबू कमभामपति को मिजोराम, मंगू भाई छगन भाई पटेल को मध्यप्रदेश, राजेन्द्र विश्वनाथ आलकर को हिमाचल प्रदेश राज्यपाल भाव निजुक्त करिछंती राष्ट्रपति। अन्यपटे मिजोराम राज्यपाल थिबा श्रीधरन पिलाई को, गोवा राज्यपाल, हरियाणा राज्यपाल थिबा सत्यदेव नारायण आर्य को, त्रिपुरा राज्यपाल, त्रिपुरा राज्यपाल थिबा रमेश बैस को, झाड़खंड, हिमाचल प्रदेश राज्यपाल थिबा बंदारू दत्तात्रेय को हरियाणा राज्यपाल भाव निजुक्त करिछंती राष्ट्रपति। परवर्ती खबर, राज्य सरकार पक्षर 5 प्रकल्प को अनुमोदन, 1.5 लाख कोटीर निवेश। राज्य सरकार पक्षर 5 बड़ प्रकल्प को अनुमोदन कर प्रकल्प पर मोट 1.46 लाख कोटी टंका व्यय बराद होता बेले एज्यर प्राय 27,000 लोकों निजुक्ति मिल। मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक अध्यक्षतार बसी उच्चस्तरीय बैठक में यह अनुमोदन कर तेबे भूषण पावर और स्टील समन्वित स्टील प्लांटर संप्रसारण होब। एथिपाई 55,000 कोटी टंकार पुंजनिवेश करा जिवो। रेंगाली रे हेबा कोथिबा ई प्रकल्प रे 10,000 लोकों निजुक्ति मिलिवो। एहा सह टाटा स्टील क्रूड स्टील उत्पादन संप्रसारण होब। एथिरे 47,559 कोटी निवेश हेबा सह 4,625 जन को निजुक्ति मिलिबो। सेहिपरि जिंदलर समन्वित स्टील प्लांटर संप्रसारण होब। एथिरे 24,625 कोटी निवेश हेबा सहित 1,000 लोकों निजुक्ति मिलिबो। राज्य रे जिंदलर मोट निवेश 1,00,000 कोटी अतिक्रम कर सारी। विश्वर गोटे स्थान में सर्वाधिक निवेश ओडिशा को आसी। रुंगटा माइनसर समन्वित स्टील प्लांटर संप्रसारण होब।
ଢେଙ୍କାନାଳରେ 11,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ 6,200 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଏହାସହ କେନ୍ଦୁଝରର ରୁଙ୍ଗଟା ମାଇନ୍ସର ଇସ୍ପାତ ପ୍ରକଳ୍ପର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେବ, ଏଥିରେ 7,920 କୋଟି ନିବେଶ ହେବା ସହ 5,134 ଜଣ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ। 2030 ସୁଦ୍ଧା ବାର୍ଷିକ 100 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ରାସ୍ତାରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା। 2000 ବେଳକୁ 2 MT, 2020 ବେଳକୁ 20 MT ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇସାରିଛି। ପାଣିପାଗ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଜୁଲାଇ 7-9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜୁଲାଇ 7-9 ତାରିଖ ଯାଏ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଆଜିଠାରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ, ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ। ସେହିଭଳି 8 ତାରିଖ ଦିନ ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର, ବରଗଡ଼ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ 9 ତାରିଖ ଦିନ କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ ଓ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।